हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड एसएल कैसे लगाएं। बेसिकली जो यूज़ होता था हमने राउटर को एज अ फायरवॉल यूज़ करने के लिए, नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, पैकेट फिल्ट्रेशन के लिए। जो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सटेंडेड एसएल कैसे लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिस्को पैकेट ट्रेसर की अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये वही सेम फाइल है जो मैंने स्टैंडर्ड एसएल के लिए लगाई थी, यूज़ करी थी। मतलब हम क्या कर रहे थे उसके अंदर, ये सोर्स इस डेस्टिनेशन को पूरी तरह क्या नहीं कर पा रहा था, एक्सेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन बाकी ये भी कर रहे थे। अब इसके अंदर मैंने क्या कर रखा, वही कुछ नहीं कर रखा। मैंने सेम लीज लाइन लगा रखी है। ये एक अनदर लाइन है, ये एक अनदर लाइन है। इन सबको मैंने एंड टू एंड पिंग डेस्टिनेशन से कनेक्ट कर रखा है। मतलब एंड टू एंड पिंग करेंगे आपस में ये, क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या कर रखे, स्टैटिक राउटिंग कर रखी है। वही हम चेक कर लेते हैं इसके किसी भी राउटर के कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, इनेबल देन शो आईपी रूट। ये देखिए एस आ गए यहाँ पे, मतलब स्टैटिक है। मैंने यहाँ पे सिंपल आउटबाउंड इंटरफेस एग्जिट वाई वाला स्टैटिक का फंडा लगाया एंड टू एंड के लिए, पिंग करने के लिए। अब हमने करना क्या, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लगानी है, एक्सटेंडेड एसीएल। तो आपको पता है कि एक्सटेंडेड एसीएल शुड बी अप्लाइड नियर टू द डेस्टिनेशन। एक्सटेंडेड एसीएल शुड बी अप्लाइड नियर टू द सोर्स। तो सोर्स क्या है हमारा, सपोज़ ये पीसी हम सोर्स मान रहे हैं, तो इसके पास वाला राउटर क्या, चंडीगढ़। अब हम क्या चाहते हैं कि ये, अब हमारे ऊपर है कि हमने क्या, हम यहाँ पे सिक्योरिटी लगानी है। हम चाहते हैं कि ये सोर्स जो है वो इस सर्वर के, मतलब पिंग तो करे लेकिन इसको इसका पेज एक्सेस ना कर पाए। हमने क्या करना है, इस सोर्स से ये पिंग कर सके, लेकिन इस सोर्स के ऊपर क्या करना, हमने ब्लॉकेज लगानी है एचटीटीपी पेजेस के लिए, कि वो इस सर्वर के पेजेस को ओपन ना कर पाए। तो क्या करेंगे, हम सिंपली इस चंडीगढ़ राउटर के ऊपर जाते हैं, इसके कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर जाके, देन सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं, इसके कॉन्फ़िगर टर्मिनल। देन सिंपली यहाँ पे एक्सेस लिस्ट लिखते हैं, देन कोई भी एक्सेस लिस्ट, सपोज 101। हमें पता है कि एसीएल का नंबर, एक्सटेंडेड एसीएल के लिए जो नंबर होता है वो होता है 100 से लेके 199 के बीच में। सपोज़ मैंने यहाँ पे 101 ले लिया, तो ये 101 सारी लिस्ट के लिए सेम होगा। अब इसके बाद हमें क्या डिनाई करना है, सिंपली डिनाई लिखा, डिनाई करना है हमें। अब उसके बाद ये डिनाई जो है सिंपली कंडीशन है। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टर लिखेंगे, क्या ट्रांसपोर्टर है, सिंपली टीसीपी लिख देंगे यहाँ पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टर होता है जो हमने दे दिया यहाँ पे। अब सोर्स एड्रेस क्या है हमारा, सोर्स एड्रेस है हमारा इस पीसी का आईपी, जो कि 10.0.0.10 है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसी के ऊपर आके हम यहाँ पे सोर्स एड्रेस डाल देंगे 10.0.0.10। देन उसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो कि 0.0.0.0, जो आपको पता ही है कि हर आईपी के लिए वाइल्ड कार्ड मास्क ही होता है। देन इसके स्पेस डालने के बाद डेस्टिनेशन का एड्रेस, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, ये सर्वर, इसका 20.0.0.10 आईपी। तो यहाँ पे 20.0.0.10 लिख दिया, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0। देन लास्ट के अंदर हम लिखेंगे ई क्यू स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट, देन 80 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 80 जो होता है वो पोर्ट नंबर होता है एप्लीकेशन सर्विस का, और ये 80 पोर्ट नंबर होता है एचटीटीपी पेजेस का। अगर आपको और भी पोर्ट नंबर्स के बारे में जानना है तो आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, उन्हें लर्न कर सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 1024 तक जो होते हैं वेल नोन पोर्ट होते हैं, बाकी जो उसके बाद है वो सारे मैंने अननोन पोर्ट होते हैं, वो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो रखे हैं होते हैं। तो ये हमारा पोर्ट नंबर है 80, जो कि एचटीटीपी पेजेस को एक्सेस करने के लिए। देन सिंपली यहाँ पे हम एंटर करेंगे, देन ये हमारी डिनाई स्टेटमेंट दी। देन इसके बाद सिंपली एक्सेस लिस्ट सेम 101, देन उसके बाद परमिट के बारे में बताएंगे, परमिट लिखा, देन सिंपली आईपी, आईपी मींस ये भी कंडीशन है, मतलब कोई भी आईपी। देन उसके बाद एनी, एनी मींस एनी होस्ट, देन अगेन स्पेस डालने के बाद एनी, एनी मींस एनी डेस्टिनेशन, देन सिंपली एग्जिट एंटर। देन उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, अभी क्या हुआ हमारा, ये हमारा, हमने डिनाई स्टेटमेंट लिखी, ये परमिट लिखी, मतलब हमने यहाँ पे सिंपली इसको एक्सेस लिस्ट को भी बनाया है, क्रिएट किया। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अब सोर्स हमारा ये रहा, तो पैकेट यहाँ से आएगा यहाँ पे, मतलब इसको हमने एज अ नेट राउटर बनाया, मतलब इसको हमने एज अ सिक्योरिटी वाला एसीएल राउटर बनाया। तो हम चाहते हैं कि इसके इनबाउंड के ऊपर हम सिक्योरिटी लगाएं, मतलब फास्ट ईथरनेट पे। तो चंडीगढ़ राउटर के हम इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0.0 के ऊपर आ जाएंगे।
सिंपली इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, देन सिंपली आईपी सेम एक्सेस ग्रुप क्रिएट करा, वही एसीएल का नंबर 101, देन सिंपली इन फॉर इनबाउंड एसीएल, देन सिंपली इसको एग्जिट कर देंगे, देन इसको अगेन एग्जिट कर देंगे, देन इसको सिंपली हम राइट कर देंगे। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे एक्सटेंडेड एसीएल लगा दिया है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से पैकेट उठाते हैं और डाल के देखते हैं। ये देखिए सक्सेसफुल आ गया, मतलब पिंग हो रहा है। एक और बात, हम इस सर्वर को ओपन करते हैं, पहले इसकी सर्विसेज में जाते हैं, देन सिंपली एसटीपीपी के अंदर जो है ये सर्विस ऑफ नहीं ऑन होनी चाहिए, दोनों ऑफ नहीं, अगर ये ऑफ है तो उसको ऑन कर दें। सिंपली एसटीपीपी पेजेस के अंदर जाके यहाँ पे एसटीपीपी सर्विस के अंदर, और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है index.html, इसके एडिट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे लिखा है देखिए, इसके बाद इस एरो के पास इसको पैकेट ट्रेसर लिखा है, तो सिंपली यहाँ पे कर्सर करके इसको डिलीट करें। आप यहाँ पे सर्वर का कोई भी नाम दे सकते हैं, सपोज मैंने सर्वर का नाम सर्वर ही रख दिया, SERVER, सिंपली सर्वर लिख दें, नीचे सेव करें इसको, देन यस, देन सिंपली काट दें। अब देखिए यहाँ पे हम जब यहाँ से पिंग कर रहे थे तो पैकेट सक्सेसफुल सेंड हो रहा है। इसको ओपन करके भी देख लेते हैं, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग टाइप करके, डेस्टिनेशन का एड्रेस 20.0.0.10। ये देखिए हमारे चार पैकेट जो हैं वो सेंड हो रहे हैं और चार रिसीव हो गए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसी पीसी के वेब ब्राउज़र में जाते हैं और उसी पेज का आईपी डालते हैं, उसी सर्वर का आईपी डालते हैं जो कि 20.0.0.10 है, 20.0.0.10, देन सिंपली गो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा अभी, ये देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, मतलब हमारा यहाँ पे ये पेज ओपन कर नहीं रहा, इस पीसी के ऊपर हमारा इस सर्वर का पेज जो है ओपन नहीं हो रहा। अब किसी और पीसी से ट्राई करते हैं, सपोज इस पीसी से ट्राई करते हैं, इस पीसी के डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में, देन सिंपली पिंग करते हैं, हमारे डेस्टिनेशन हमारे सर्वर का जो आईपी है वो 20.0.0.10 है, देन सिंपली एंटर। ये वही सेम प्रोसेस हो रहा है, चार पैकेट सेंड हो गए, चार रिसीव हो गए। देन अगेन क्या करते हैं, इसी पीसी के वेब ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे उसी डेस्टिनेशन उसी सर्वर का आईपी डालते हैं जो कि 20.0.0.10 है, देन सिंपली गो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए सिंपली हमारा सर्वर जो है वो क्लिक ओपन हो गया। ये वही जो हमने उस सर्वर के अंदर उसका नाम चेंज करा था, इसको पैकेट रिसीवर सर्वर लिख के, ये हमारा देखिए पेज ओपन हो गया। ये सेम फंडा हम इस पीसी के ऊपर ट्राई करते हैं जो कि लास्ट पीसी है, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग, देन लास्ट वाले सर्वर का आईपी जो कि 20.0.0.10 है, देन सिंपली एंटर। चार पैकेट सेंड हो गए, चार रिसीव हो गए। देन सिंपली इसके वेब ब्राउज़र में जाके उस सर्वर का आईपी जो कि 20.0.0.10 है, सिंपली एंटर। देखिए सर्वर ओपन हो गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे इस ये तीन पीसी तो इस सर्वर को पिंग कर रहे हैं, लेकिन ये जो सोर्स है हमारा वो इसका एसटीपीपी पेज, जिस एसटीपीपी वाला पेज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वाला पेज ओपन नहीं कर पा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी, हमने उस सर्विस को डिनाई कर रखा है। बाकी ये दोनों पीसीज तो सारी सर्विसेज एक्सेस करेंगे। तो ये था हमारा एक्सटेंडेड एसीएल। आई होप दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग।